यस आज बनाएंगे हम लोग मैगी का पकोड़ा। मैगी का पकोड़ा के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक पैकेट मैगी, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई प्याज, बेसन, बारीक कटी हुई है कैप्सिकम, लाल मिर्च पाउडर, हरा मिर्च बारीक कटी हुई, नमक। मैगी को बॉईल करने के लिए हम एक बाउल लेंगे। बाउल में एक पैकेट मैगी के लिए हम ज़रा सा पानी लेंगे, इतना सा ही पानी लेंगे, और इसमें हम मैगी डाल देंगे और इसको हाफ बॉईल करेंगे। मैगी को ज़्यादा नरम हमें करना नहीं है। ये देखिए, ये मैगी हमारा हाफ बॉईल हो गया है, ये पूरा नरम नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं इसका पकौड़ा कैसे बनाते हैं। पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम ये मैगी डालेंगे, जो हाफ बॉईल किया हुआ मैगी, उस पर हम ये बारीक कटी हुई कैबेज डालेंगे, कैप्सिकम, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि मैगी में ऑलरेडी थोड़ा बहुत नमक रहता है, और ये बेसन डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन ड्राई है इसीलिए हम थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल सकते हैं। मैगी पकोड़ा याचे आपले मिश्रण तैयार झालेला आहे, व्यवस्थित मिश्रण तैयार करून घेतलेला आहे, त्याचे आपण आता गोळे तैयार करूया। ऐसे हमने बॉल्स बनाए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये गरम तेल में हम ये पकोड़ा डालेंगे। गैस को हमेशा धीमी आंच में ही रखिए। ये देखिए हमारा पकोड़ा तैयार हो गया है, ब्राउन कलर होने से इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा मैगी का पकोड़ा तैयार हो गया।